तीन चार दिन से कंपनी बंद चल रहा है। बात यह है हम लोग जाएंगे कहाँ, बंगाल से आए हैं दूसरे बाहर देश का में काम करने के लिए, 8-10 साल से काम कर रहे हैं, इसमें बीवी है, बच्चे है, भतीजी है शादी देने के लिए, अगर कंपनी बंद रह गया तो हम लोग करेंगे क्या, खाएंगे क्या? पता है साहब, नया सरकार आया है, योगी सरकार आया है, बंद कर रहा है, क्या कर रहा है हमें तो पता नहीं, लेकिन हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है। मैं लतीफ़ के साथ उनके 10x10 के इस छोटे से कमरे में पहुंचा हूं, जहां वो अपनी माँ, बीवी, भतीजी, बच्चों के साथ 6 लोगों के साथ रहते हैं। इसी कमरे में खाना पकता है। योगी सरकार की कार्रवाई के बारे में इस परिवार को कुछ नहीं पता। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर ये फैक्ट्री बंद हो गई तो वो जाएंगे कहाँ और खाएंगे क्या। ना हम जाने ना फैक्ट्री क्या बंद हो गए, और ये फैक्ट्री बंद हो गए हमारा जाबो को थाई, हमारे छोटे छोटे भाई बहन आछे, কি খাওয়াবো না খাওয়াবো, আমাদের কষ্ট হচ্ছে, ওই বাচ্চাগুলোকে খেলাবো কি, 4 দিন থেকে বোন আছে, বাচ্চার বাবার তো কোনো কাজে নাই, এই কোম্পানির আশায় তো এসেছি আমরা। জিস দিন ভারতীয় জনতা পার্টি কা মুখ্যমন্ত্রী শপথ লেগা উসি দিন রাত কো 12 বাজে কে পহলে এক অধ্যাদেশ লাকর उत्तर प्रदेश के सारे कत्ल खाने बंद कर दिए जाए। फैक्ट्री इसलिए बंद पड़ी हुई है ये कि यहाँ पे भैंसे लाने वाले घबरा रहे हैं, भैंसे नहीं आ पा रही, रोडों पे जो है परेशान किया जा रहा है और रोडों पे रोक कर मारा जा रहा है व्यापारियों को, तो इसलिए व्यापारी घबराया हुआ है बहुत। योगी जी की सरकार बनी जब से एक लोगों में खौफ है, खौफ बैठा हुआ है, प्रशासन शासन सब परेशान कर रहे हैं, माल नहीं आ रहा ना तो इसको चलाएं कैसे, ये तो हमारी भैंस आएंगी, ऐसा आएंगे जब भी चलेगा ये प्रोजेक्ट हमारा। माना कि बीजेपी ने सरकार बनने के बाद स्लॉटर हाउसेस बंद करने की बात कही थी, लेकिन बात तो सबका साथ और सबका विकास की भी थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक वादा पूरा करने के चक्कर में नई सरकार अपना दूसरा वादा भूल नहीं जाएगी। संभल में अभिलाष मलिक के साथ नीरज गुप्ता, तकविंट के लिए।